Assalamu alaikum. My name is Param. I am Harman. I am Manjot. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video by Dr. Zakir Naik Sahab. And this is Shri Shri Ravi Shankar के बारे में है. उन्होंने बोला है कि खाना काबा जो है वो पहले शिव मंदिर था. तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? मुझे लगता है वो हजरे जो अस्वत है, जो जन्नती जो पत्थर है, काला पत्थर जिसकी ज़ियारत करते हैं, उसकी वजह से बोल रहे हैं. उनको लगता है कि वो शिवलिंग है, बट वो गलत सोच रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का मे बी इल्म नहीं होगा. एंड हालांकि हम मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, मैं सच बता रहा हूँ. जो बात सच है, देखो, एक तो होता है कि एक बंदा होता है अंधभक्त. अंधभक्त समझ तो क्या होता है? ब्लाइंड फेथ करने वाला इंसान. एक होता है रिसर्च करता है हर एक चीज़ का अनबायस तरीके से, एंड देन वो चीज़ मानता है. एंड रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने डॉक्टर जाकिर नायक साहब और श्री श्री रविशंकर की एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, एक्चुअली, बिकॉज यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो वैसी डालते हैं तो स्ट्राइक मार देते हैं श्री श्री रविशंकर साहब की तरफ से, बिकॉज उसमें इनको मतलब पूरी तरीके से इन्होंने इनका ख़त्म कर दिया था डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैंने सुना. एंड इनके पास कोई जवाब नहीं था, एक भी जवाब. इनकी सारी बातें उल्टी पड़ रही थी. मतलब अगर कोई भी इनको सवाल पूछते थे तो ये कुछ भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे. एंड इनसे ज़्यादा वेदास के बारे में, यजुर्वेदा, जितने भी वेद्स हैं सब के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब को बहुत ज़्यादा पता था. एंड मैं कोई बायस नहीं हो रहा हूँ, ना मैं कुछ ये ऐसा कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ. देखो, हमें हर एक चीज़ की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, एंड तभी जाके हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, राइट? एंड विदाउट एनी किसी इंसान पे ऐसे तोहमत लगाना, उस पर बिना मतलब से जानबूझ के उसके बारे में गलत बोलना, वो नहीं बोलना चाहिए. मैं तो उनको गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ कि वहाँ पे इनके पास कुछ भी बोलने के लिए भी नहीं था. एंड जो भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो भी इनको समझ नहीं आ रहे थे. तो देखते हैं कि ये वीडियो में ऐसा वो क्यों कह रहे हैं. सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक दरखास्त करना चाहते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा. सो चलिए गाइस, आज के वीडियो का आगाज. हमने कहा तुम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करो. हाँ, वेदों में सभी बातें हैं. न तस्य प्रतिमा अस्ति, बात है उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है. मगर ये नहीं कहते कि प्रतिमा में वो नहीं है. उसके लिए प्रतिमा नहीं है मगर प्रतिमा में भी वो ही है. अरे, हमने यही बात उसको कहा और मोर के सब समझ में नहीं आता फिर. और काबा जो है वो एक शिव मंदिर था, ये भी बात है. तो मैंने लिखा काबा की जो परिक्रमा करते हैं सात बार, ये वही पद्धति है जैसे परिक्रमा उसको पूजते हैं. वो बोलता है उसको पूजते नहीं है, ये गलत लिखा है. अरे भाई, पूजते नहीं हो तो उसको सम्मान क्यों देते हो? सम्मान देना है तो पूजा है. अरे भाई, ज्यारत काबा का है, सम्मान ही तो पूजा है. वो कहते है, नहीं नहीं नहीं, वो सम्मान नहीं करते, हम पूजते नहीं है, हम सिर्फ घूमते हैं. लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है. यार मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है. काबा हमारा किबला है. आप जहां भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए. काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है. मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहां, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ. तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ. तो काबा हमारा किबला है. और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे. 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का. और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था. बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी लोग आए और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन. ये जो मैप है
उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जा भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उमरा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं काबा के इर्द गिर्द, हम तवाफ करते हैं। लोग पूछे क्यों तवाफ करते, अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं रदिल्लाहु अन्हु, वो कहते कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना यह काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा भी काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे, ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संगे अस्वत को नहीं पूछते। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलत फहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलत फहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते। मिसाल के तौर पर मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं नहीं झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कैंटोनमेंट एरिया है। मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग है, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा, और सबसे डिफिकल्ट अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। सही बात। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कहा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को
सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है, आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। सही बात। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है, आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का मदीना जाने के लिए। ये था हमारा वीडियो बाय डॉक्टर जाकिर नायक साहब, तो आप देख लीजिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एकदम प्रूफ के साथ सबूत के साथ जो श्री श्री रविशंकर साहब की जो बातें थी वो खारिज कर दी एंड बिल्कुल सही तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने सही बात कही, सही बताया, काबा के बारे में बताया एंड बहुत अच्छे से बताया एंड हमें भी अच्छी नॉलेज मिली एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाबाश। बाय बाय। टेक केयर। सी यू।